व्यू देखिए, और इस खूबसूरत जगह पे ना बिल्कुल अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। दोस्तों, सर्दियों का मौसम ऑलमोस्ट जा चुका है और दिल्ली में टेम्परेचर अब धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। और काफ़ी टाइम से मैं सोच भी रहा था, लेकिन मम्मी घर पे नहीं थी इसलिए मैं निकल नहीं पाया। और फाइनली जैसे ही सैटरडे को मम्मी वापस आई दिल्ली, मंडे को मैंने अपना प्लान बना लिया। मैंने सोचा क्यों ना इस बार चकराता घूमा जाए 2 या 3 दिन के लिए। तो बस अपनी ये बाइक निकाली और निकल पड़ा हूँ। तकरीबन 250 किलोमीटर चलाने के बाद ये पहला स्टॉपेज है और इस वक्त मैं हूँ हथनीकुंड बैराज के पास। आप मेरे पीछे जो देख रहे हो ना, वो है हथनीकुंड बैराज। और यही बैराज जो है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है दिल्ली की बाढ़ के लिए। तो जब भी मानसून आता है तो यहाँ पे काफ़ी पानी इकट्ठा हो जाता है और इस बैराज को जो है पानी छोड़ना पड़ता है, और फिर पानी जो है आगे जाता है और दिल्ली पानी पानी हो जाती है। अच्छी राइड थी, अभी तक करीब 250 किलोमीटर की हो चुकी है और सोचा एक ब्रेक लेते हैं। आई थिंक इससे बढ़िया कोई जगह मिल नहीं सकती थी। होम स्टे में जैसे ही मैं रुका और भैया ने बोला कि आप यहाँ पे जा सकते हो, ये मतलब डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो मोला टॉप की, और आज शाम के लिए काफ़ी है। तो बस बाइक उठाई और आ गया। और क्या जगह है, बहुत ही खूबसूरत। और ये शायद मेरा पहला सोलो ट्रैक है और बहुत छोटा सा ट्रैक है। ये देखिए, ऊपर से भी काफी लोग नीचे उतर रहे हैं। तकरीबन आधा किलोमीटर आने के बाद मैंने ब्रेक लिया है और अब हमें उस तरफ जाना है। और अब यहाँ पे पेड़ों की हाइट देखो। ये देखिए, स्टनिंग, खूबसूरत, सुभान अल्लाह, और क्या क्या बोलूं, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। वाह, अरे वाह, चूड़धार और केदारखंड बिल्कुल ऐसा ही बुग्याल था वहाँ पे भी। और आप है ना, एक नज़र यहाँ डालिए, है ना खूबसूरत।
अरे भाई जन्नत है उत्तराखंड भी। वाह हम पहुंच गए मोला टॉप, और मोला टॉप पे है ये शिव जी का मंदिर जो कि बेहद खूबसूरत लग रहा है। वो देखिए वहाँ से स्नो लाइन दिख रही है वहाँ से और वो लास्ट तक कमाल का व्यू है। ये भाई तो निकल लिए और यहाँ पे अभी और भी बच्चे थे सब नीचे उतर गए। अब इस टॉप पे मैं और मेरी तन्हाई, मतलब कहने का मतलब यह सिर्फ मैं हूँ और कोई भी नहीं है यहाँ पे। देख रहे हो सारा एरिया है ना इस वक्त सुनसान है, यहाँ कोई भी नहीं है। यहाँ है वो केव्स, हालांकि मैं अकेला हूँ, अंदर जाने में थोड़ा सा डर लग रहा है, बट एटलीस्ट अंदर घुस के तो देखें कि आखिर यहाँ पे है क्या। ये देखिए मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, और ना यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके पानी भी रिस रहा है, तो थोड़ा अंदर चले। ओहो एक्चुअली अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, अब चलते हैं बाहर की तरफ, रिस्क नहीं लेते क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला हूँ। तो ये थी बुधर केव्स, और ये बिल्कुल मंदिर के पीछे, अगर आप मंदिर के लिए आते हो तो इन केव्स को भी आप ज़रूर देखने आओ। तो दोस्तों वो देखिए मेरे पीछे मोला टॉप और शिव जी का मंदिर, और तालाब वहाँ है, मैं गलत डायरेक्शन में आ गया हूँ, और आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरे पीछे क्या है। ये देखिए व्यू देखिए, और इस खूबसूरत जगह पे ना बिल्कुल अकेला हूँ। क्या कहा? बिल्कुल अकेला। और उधर देखो बारिश वाले बादल नजर आ रहे हैं मेरे को, हो सकता है थोड़ी देर में झमाझम बारिश हो जाए। एक छोटा सा टाइम लैप्स बनाने के लिए रखा हुआ है, उसके बाद चलेंगे यहाँ से, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलें। नीचे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन मैं ऑलमोस्ट जो बुधेर गेस्ट हाउस है, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस, वहाँ पहुँच चुका हूँ। ये देखिए ऐसा लग रहा है लोग किसी को भगा रहे हैं। ये देखिए ऐसा लग रहा है कोई जंगली जानवर है। ये देख रहे हो ऐसा लग रहा है किसी दूसरे जानवर को डरा के भगाने की कोशिश हो रही है। ये देखिए आई थिंक यहाँ आप रुकना नहीं चाहिए, जितना जल्दी हो कर लेते हैं। अरे बाबा मेरी बाइक कहाँ है भी कि नहीं? नहीं नहीं खड़ी है मेरी बाइक, सीरियसली आवाज पीछे से आ रही थी और है ना वो थोड़ा हॉरिबल था।
डर तो लग रहा है, लेकिन मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर है क्या चीज़, समझ नहीं आ रहा। और ना आवाज़ें यहाँ कहीं से आ रही थी नीचे से, ये यहाँ तो मुझे कुछ ऐसा, ये देख रहे हो ये आवाज़ है, जब गया था कोई आवाज़ें नहीं थी यहाँ पे, लेकिन अब आवाज़ें आ रही हैं, ये देखिए। ये रास्ता नीचे जा रहा है और मुझे जहाँ तक लग रहा है वो लोग भी नीचे ही थे, यहाँ नीचे की तरफ। और आपको सच बताऊं यहाँ पे ना कोई भी नहीं है, पूरा गेस्ट हाउस जो है ना वो खाली पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है। आप है ना वीडियो बंद करते हैं और चलते हैं अपनी बाइक की तरफ और यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों, मौला टॉप से नीचे आते वक्त मेरे साथ जो भी हुआ वो बहुत ही डरावना मतलब एहसास था, और वाकई में मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे वो आवाज़ें सुन के। अभी मैं जा रहा हूँ कोटिकाना सर, और ये जगह मेरे रिजॉर्ट से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है। देवदार के घने जंगलों के बीच ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, और जो लोग चकराता घूमने के लिए आते हैं वो ज़रूर यहाँ पे आते हैं। अभी सनसेट होने में काफ़ी टाइम है और काफ़ी अच्छी रोशनी है, काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस जगह को भी विज़िट कर लिया जाए। तो मैं सीधा मौला टॉप से जो है कोटिकाना सर की तरफ निकल पड़ा हूँ। तो ये है कानासर बुग्याल, कानासर एक जगह है और यहाँ पे छोटा सा बुग्याल है। और तो अभी फ़िलहाल चलते हैं इस बुग्याल को देखते हैं, जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, और ये देखिए ये है एक्चुअली बुग्याल यहाँ पे। ये था एक छोटा सा और बुग्याल जो कि अपने होम स्टे से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर था, और बहुत खूबसूरत जगह है। अब थोड़ा सा वॉक करके आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आगे क्या व्यू देखने को मिलता है। और यहाँ से एक और व्यू, हर कोने से हर जगह अलग अलग टाइप की ब्यूटी है, क्या खूबसूरत व्यू है।